हेलो एंड एवरी वन, वेलकम टू द चैनल। अब भैया देखो, बिग बॉस के रिगार्डिंग अपडेट चाहिए तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। देखो भैया, बिग बॉस का जो ये सीजन 16 चल रहा है, कुछ ढंग का कमाल नहीं कर पा रहा है। सीजन 11 काफी अच्छा था, टाइटिंग काफी अच्छा था, बाकी सीजन भी अच्छे रहे हैं, बट ये सीजन कुछ इतनी बेहतरीन रेटिंग्स भी नहीं ला रहा है। तो भैया रेटिंग्स न लाने के लिए क्या करते हैं बिग बॉस वाले, पता है, लड़ाई करवाते हैं, जो कि भैया बिग बॉस चुगली कर करके करवा ही रहे, लेकिन उसका भी कोई फायदा हो ही नहीं रहा है। तो भैया क्या कराएंगे, आप कराएंगे वाइल्ड कार्ड एंट्री। वेल यहाँ पर भैया बिग बॉस सीजन 16 में हो चुकी है प्लानिंग वाइल्ड कार्ड एंट्री की। तो भैया वाइल्ड कार्ड के स्वरूप में आपको किन किन देवी देवताओं के दर्शन होने वाले, जरा वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। सबसे पहले नाम सामने निकल कर आ रहा है हसबुल्ला। वेल देखो, अब्दू रोजक और हसबुल्ला की सोशल मीडिया पे हजारों वीडियो पड़े हैं, जहां पर ये दोनों आपस में यंगेस्ट कजन है, ब्रदर है, क्या है इनका ये रिलेशन तो नहीं पता, लेकिन अब्दू वर्सेस हसबुल्ला मेकर्स कराने की प्लानिंग कर रहे हैं। तो भैया यहाँ पर हसबुल्ला आपको अब्दू के मतलब वजह से ही देखने को मिलेंगे, जाहिर सी बात है, क्योंकि अब्दू अभी तक भैया क्यूट बॉय बने हुए हैं घर के, किसी से फाइटिंग नहीं है। और बिग बॉस में आकर अगर आपने लड़ाई नहीं की तो भैया बिग बॉस के लोगों मतलब जो मेकर्स उनका खाना नहीं हजम होगा। भैया ये कंटेस्टेंट लड़ भी नहीं रहा, नंबर वन पर ही बैठा हुआ है, कैसे हो रहा है सारी ये। तो भैया यहाँ पर हसबुल्ला को लाने की प्लानिंग की जा रही है। उसके बाद अगली जो वाइल्ड कार्ड एंट्री लेने की, जिनकी मतलब रूमर्स वगैरह निकल के सामने आ रहे हैं, जो कि है सनी। अब वेल देखो, सनी आएंगे तो वो आएंगे गौरी ना गौरी के लिए, अर्चना वर्सेस गौरी ना गौरी हो रहा था, वहां पर सनी का जिक्र भी कराएगा, तो जो कि मेकर्स ने दिखा भी दिया था। तो भाई यहाँ पर सनी के आने के काफी ज्यादा चांसेस है, अगर सनी शो में आते तो डेफिनेटली गौरी ना गौरी की वजह से ही आएंगे और गौरी ना गौरी के लिए खेलेंगे, क्योंकि करण जौहर ने भी जो अभी गौरी ना गौरी की क्लास लगाए थे उस पर भी सनी का काफी ज्यादा रिएक्शन आ रहे थे। तो मे बी मेकर्स आपको सनी की एंट्री कराते हुए नजर आ सकते हैं घर के अंदर, बट अगर भैया गौरी ना गौरी ही नहीं रहेंगे तो सनी को भूल ही जाओ, अगर गौरी ना गौरी पहले ही इविक्ट हो जाती है तो फिर कोई बात ही नहीं। उसके बाद यहाँ पर भैया नाम आ रहा है दिलजीत कौर का। दिलजीत कौर एज एन वाइल्ड कार्ड ऑलरेडी से ही एंट्री कर चुकी सीजन 13 में, और यहाँ पर आई थिंक 2 हफ्ते ही इन्होंने बिताए थे घर के भीतर। अपनी दी दोबारा से वाइल्ड कार्ड एंट्री के तौर पर अगर दिलजीत कौर एंट्री लेती हैं तो इसकी वजह से नहीं लेंगे, उन्होंने सीजन 13 में बहुत ही अच्छा खेला था, बल्कि इसकी वजह से लेंगे क्योंकि साहिल इस वक्त मतलब सालीन है इस वक्त घर के अंदर, जो कि उनके एक्स हस्बैंड है। और यहाँ पर दिलजीत ने कुछ आउटसाइड भी मतलब काफी बवाल मचा रखा है कि सालीन है जैसा शो कर रहा है वैसा नहीं है वगैरह वगैरह। तो मेकर जाहिर सी बात है भैया दुश्मन लाओगे तो रेटिंग्स बढ़ेंगी, सीजन 13 में था ही क्या, सहनाज वर्सेस हिमांशी करा दिया था। इसके अलावा यहाँ पर मतलब ओवरऑल सिद्धार्थ और सहनाज थे घर में, सिद्धार्थ रश्मि थे घर में, ओवरऑल सारे दुश्मनों को इकट्ठा लाओ, उनकी लड़ाई करो तो रेटिंग्स बढ़ती हैं। तो मे बी इस सीजन में भी आपको दिलजीत कौर वर्सेस सालीन अगर मेकर्स कराना चाहे तो मे बी आपको दिलजीत कौर दोबारा से शो के अंदर वापसी करती हुई नजर आ सकती है एज अ वाइल्ड कार्ड। उसके बाद जो भैया तीसरा नाम आ रहा है जो कि इविक्ट हो चुकी हैं, जो कि हैं सृजिता। वेल देखो, सृजिता को मेकर्स लाए इसलिए थे क्योंकि भैया उन्हें टीना दत्ता से लड़वाई करवानी थी, काफी रूमर्स वगैरह भी थी, बिग बॉस ने पूछा भी था, लेकिन सृजिता ने इतनी कुछ भयंकर वाली लड़ाई टीना दत्ता के साथ की नहीं और मेकर्स को यह बात पसंद नहीं है, नॉमिनेट होंगे इविक्ट भी होगी। तो भैया यहाँ पर आपको ही पता है जो पुराने कंटेस्टेंट इविक्ट हो जाते हैं उनको एज एन वाइल्ड कार्ड एंट्री वापस लाया जाता है, तो यहाँ पर नाम सामने निकल कर आ रहा है सृजिता, क्योंकि भैया सृजिता ने बाहर जाते ही यहाँ पर टीना और सालीन दोनों के खिलाफ यहाँ पर आग बहुत ज्यादा उगली है। तो भैया मेकर्स को कुछ शायद ऐसी बातें लग रही है कि इन्होंने भैया पहले तो लड़ाई नहीं की तो शायद इस बार हमको काफी भयंकर भरकम कंटेंट दे सके, और शायद इस बार जो मतलब अगर हम सृजिता को लाए तो सृजिता वर्सेस टीना घर में बहुत भयंकर घमासान हो पाए, क्योंकि भैया दोनों तरह में काम कर चुके हैं तो भैया मजा तो आ ही सकता है। उसके बाद भैया जो नाम आ रहा है वो किसी और का नहीं बल्कि यहाँ पर फाहम खान का नाम आ रहा है। अब देखो, फाहम खान यहाँ पर आएंगे तो सुंबल की वजह से आएंगे, बट यहाँ पर बहुत सारी फाहम खान की एंट्री में रुकावटें लगी हुई हैं, उनका अपकमिंग शो है, फाहम ने भी अभी इतनी सारी मतलब रिजेक्ट कर दी है या फिर नहीं एक्सेप्ट किया, ये सारी चीजें बहुत ही ज्यादा होल्डिंग पे लगी हुई हैं। तो भैया ये कुछ ऐसे नाम थे जो कि मैंने आपको बता दिए एज एन वाइल्ड कार्ड एंट्री आपको शो में देखने को मिल सकते हैं। कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना कि आप इनमें सबसे ज्यादा एक्साइटेड किसके लिए हो। बाकी थैंक यू फॉर